कहानी की शुरुआत में हम सोरेन नाम के एक आउल को देखते हैं, जो अपनी छोटी बहन ग्लेंटे के साथ गार्डियंस ऑफ गहूल की कहानियों के कैरेक्टर बनकर खेल रहे होते हैं। तभी उनका एक और भाई क्लड उनसे कहता है कि चलो अब चलकर सो जाएं, क्योंकि उसे ये कहानियां बकवास लगती है। तब उन लोगों के डैड वहां आते हैं और क्लड से कहते हैं कि ये कहानियां उनकी संस्कृति और इतिहास का एक हिस्सा है, इनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर क्लड कहता है कि बार बार वो एक ही कहानी के बारे में सुनकर पक चुका है। पर सोरेन और ग्लेंटे को ये कहानियाँ बहुत पसंद थी। वो दोनों उन कहानियों पे बिलीव करते थे और वो समझते थे कि गार्डियन सच में होते हैं। उनकी मॉम उन सबको अब सोने को कहती है। सोरेन ग्लेंटे को बता रहा था कि अब तक की कहानी में गार्डियंस प्योर वन से लड़ते हुए पिछड़ रहे हैं, कहीं वो हार ना जाए। पर फिर लाइज ऑफ कील नाम के एक आउल ने उन सैतानी आउल्स के लीडर को मार डाला और एक बार फिर से गार्डियंस की जीत हुई। एक बार फिर से आउल साम्राज्य को आज़ादी मिल जाती है और वो गार्डियंस अपने घर वापस लौट आए, जिसका नाम गहूल था। पर लोग कहते हैं कि सैतानों का लीडर अब भी जिंदा है और वो अपनी टूटी हुई चोच को छुपाने के लिए मेटल का एक मास्क पहनता है। पर तभी सोरेन को रोकते हुए क्लड कहता है कि वो ये बकवास कहानी उसे सुनाना बंद करे, क्योंकि ऐसा कुछ भी रियल नहीं हुआ था। उनके डैड ने उन्हें कहानियाँ सुना सुना कर उनका दिमाग खराब कर दिया है। अगले दिन सोरेन और क्लड को उसके डैड उड़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। क्लड उड़कर दिखाता है और अपने डैड से कहता है कि वो सबसे अच्छा उड़ सकता है, पर उसके डैड उससे कहते हैं कि वो अपने पंखों की आवाज़ को थोड़ा कम करे, उसकी आवाज़ सुनकर शिकार भाग सकते हैं। कुछ देर उनके डैड उन दोनों को उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद उन्हें वहीं छोड़कर वो उनकी मॉम के साथ शिकार पर निकल जाते हैं। क्लड और सोरेन वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं, जहाँ उनकी मेड मिसेस भी उसकी बहन ग्लेंटे की देखभाल कर रही होती है। सोरेन एक बार फिर से क्लड को उड़ने की प्रैक्टिस करने को कहता है और वो अपने घोंसले से बाहर आकर उड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर उन दोनों का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों बहुत डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उड़ना नहीं आता था और अब वो ऊपर अपने घोंसले में भी नहीं जा सकते थे। तभी अचानक से एक बड़ा सा रैट उन पर हमला करता है। वो दोनों किसी तरह से एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ आउल्स आते हैं, जो उन दोनों को अपने पंजों में उठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। सोरेन देखता है वहाँ बहुत सारे आउल्स थे, जो अपने अपने पंजों में कई सारे आउल्स को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ उसे गिल्फी नाम की एक आउल मिलती है, जो उसे बताती है कि वो उसे डिजर्ट से उठा कर ले आए। वो सारे आउल्स को लेकर पहाड़ों की एक गुफा तक ले आते हैं। वो उन सबको अपना गुलाम बनाने वाले थे और कुछ को अपनी प्योर वन सेना में शामिल करने वाले थे। वहाँ का एक हेड आउल जिसका नाम ग्रिम्बल था, वो उनसे कहता है कि आज से वो सब उनके राजा हाई टाइटोस की सेवा करेंगे। तभी वहाँ हाई टाइटोस की पत्नी नायरा आती है। वो सबसे कहती है कि कुछ दिन उन्हें उनकी घर की याद आएगी, उसके बाद उन सबको यहाँ की आदत हो जाएगी। पर तभी गिल्फी और सोरेन उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनके घर वापस जाने दे। नायरा उन दोनों के पास आती है और उन दोनों को सामान उठाने वाले कैटेगरी में डाल देती है। उसके बाद वो क्लड की तरफ बढ़ती है। वो उसे कहती है कि तुम अपने भाई की तरह सामान उठाने का काम करना पसंद करोगे या प्योर वंश के बहादुर सिपाही बनना चाहोगे। क्लड उनकी सेना में शामिल होने के लिए मान जाता है। सोरेन और गिल्फी को बाकी आउल्स के साथ कहीं और ले जाया जाता है। उन्हें अपना चेहरा चांद की तरफ करके सो जाने को कहा जाता है। गिल्फी सोरेन से कहती है कि उन्हें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसके रेगिस्तान में भी कई बार ऐसे ही आउल्स थककर सो जाते हैं, पर जब वो उठते हैं तो वो पहले की तरह नहीं रहते, वो भूल जाते हैं कि वो कौन हैं। वो दोनों बाकी आउल्स की तरह सिर्फ सोने का नाटक करते हैं और अगले सुबह जब सारे आउल्स उठते हैं तो वो पूरी तरह से गुलाम बन चुके थे। वो सब उनके इशारों पर चलने लगते हैं। सोरेन और गिल्फी भी नाटक करते हुए उनके साथ जाने लगते हैं। उन सबको वहाँ के प्लेटोरियम में लाया जाता है। वहाँ नायरा सिपाही बनने वाले आउल्स को उड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी, ताकि वो एक अच्छे सिपाही बन सके। उन सारे गुलाम आउल्स को एक पैलेट दिया जाता है, जिसमें से उन सबको एक मेटल फ्लेक्स ढूंढ कर निकालना था, जिसे वो एक जगह कलेक्ट कर रहे थे। वो सोरेन को एक फ्लेक्स देते हैं और उसे बाकी के फ्लेक्स के पास रखने को भेजते हैं। उन फ्लेक्स की पावर का सोरेन पर बुरा असर पड़ रहा था। वहाँ कुछ बैट्स थे जिन पर इन फ्लेक्स की पावर का कोई असर नहीं था, और वही बैट्स उन फ्लेक्स को अपने पास रख रहे थे। ये सब देखकर सोरेन को एक बात तो पता चल चुकी थी कि ये लोग कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। वो गिल्फी से कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। आगे हम हाई टाइटोस को एक आउल से बात करते हुए देखते हैं। वो कह रहा था कि बहुत सारे फ्लेक्स के इकट्ठा हो जाने के बाद वो लोग अपने दुश्मनों के लिए एक जाल बिछाएंगे और फिर उन सबको अपना गुलाम बना लेंगे। इधर ग्रिम्बल नाम का एक आउल जब सोरेन को वहाँ से बाहर जाने की बात करते हुए सुनता है तो वो उन दोनों को अपने साथ ले आता है। वो उन्हें एक अलग जगह पर ले आता है। वो उनसे कहता है कि वो उन्हें उड़ना सिखाएगा। ग्रिम्बल उन्हें बताता है कि प्योर वंश ने उसके राज्य पर हमला किया था और उसके परिवार को अपने साथ ले गया,
और उसे कहा गया था कि जब तक वो उनके लिए काम करता रहेगा वो उसके परिवार को कुछ नहीं करेगा। पर अब उसे लगता है कि वो उनका साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है और वो उन्हें उड़ना सिखाने लगता है। इधर नायरा उन सिपाही बनने वाले सारे आउल्स का एक टेस्ट लेती है ताकि वो जान सके कि कौन उनमें सबसे बेस्ट है। उस टेस्ट में क्लड सबसे आगे रहता है। नायरा उसकी तारीफ करती है। वो क्लड से कहती है कि क्या तुम्हारा भाई सोरेन भी तुम्हारी ही तरह उड़ सकता है। वो उसे अपने साथ लेकर सोरेन को समझाने जाती है कि वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। ग्रिम्बल अभी भी सोरेन और गिल्फी को उड़ना सिखा रहा होता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें अगर अपने घर जाना है तो उन्हें जल्दी से उड़ना सीखना होगा। वो उन्हें बताता है कि उनका असली घर गाहुल है, पर वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले होलेमेर समुद्र के टापू पे जाना होगा। वहां एक पुराना जंगल में गाहुल ट्री है जहां सच्चे और ईमानदार आउल्स रहते हैं और उन्हें गार्डियंस कहा जाता है। पर तभी वहां नायरा और क्लड आते हैं। ग्रिम्बल सोरेन से तुरंत वहां से भाग जाने को कहता है। नायरा उसे रोकने के लिए जाती है पर ग्रिम्बल उसे उन तक पहुंचने से रोकता है। सोरेन और गिल्फी पहाड़ के किनारे तक पहुंच जाते हैं पर वो वहां से कूदकर उड़ने से डर रहे थे। ग्रिम्बल तब तक नायरा को रोक के रखे हुए था। वो क्लड से भी सोरेन के साथ भाग जाने को कहता है पर वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। और तब तक नायरा भी ग्रिम्बल के पंजों से छूट जाती है। सोरेन और गिल्फी वहां से कूदकर उड़ने लगते हैं। नायरा उनका पीछा कर रही होती है। ग्रिम्बल अब भी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है पर बहुत जल्द नायरा उसे मार देती है। वो दोनों एक पहाड़ के छोटे से दरार से होकर भाग जाते हैं। सोरेन और गिल्फी अब आजाद हो चुके थे। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब वो उड़ सकते थे। वो दोनों वहां से गाहुल की तरफ निकल जाते हैं। इधर नायरा क्लड से कह रही होती है कि उसके पास आज भागने का अच्छा मौका था पर फिर भी वो उनके साथ नहीं गया। वो जरूर प्योर वंश का एक महान सिपाही बनेगा। वो उसे कहती है कि वो उसके सिपाही बनने में उसकी मदद करेगी पर उसके बदले में वो उसे क्या दे सकता है क्योंकि उसका भाई तो वहां से भाग गया। क्लड कहता है कि उसकी एक बहन है, वो बहुत बहादुर है, वो जरूर उनकी सेना में शामिल होकर एक महान सिपाही बनेगी। नायरा उसकी बहन को उसके पास लेकर आने को कहती है। सोरेन और गिल्फी उड़ते उड़ते थक चुके थे। उन्हें रास्ते में डिगर नाम का एक आउल मिलता है। गिल्फी उससे कहती है कि उन्हें आज रात छुपने के लिए एक जगह चाहिए क्योंकि वो लोग गाहुल की तरफ जा रहे हैं। वो उसे अपने घोंसले में ले जाता है। तभी वहाँ उसका दोस्त ट्विलाइट आता है जिसने खाने के लिए मिसेस पी को पकड़ कर लाया होता है। वहाँ मिसेस पी सोरेन से मिलकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि उसने उन दोनों को हर जगह ढूंढा। सोरेन ट्विलाइट को बताता है कि ये उसकी मेड मिसेस पी है और इसे वो लोग खा नहीं सकते। वो उसे बताता है कि वो लोग गार्डियंस की खोज में जा रहे हैं ताकि वो उन्हें प्योर वंश के प्लान के बारे में बता सके कि कैसे वो लोग उन सबको गुलाम बनाने वाले हैं। ट्विलाइट और डिगर भी उन सबके साथ जाते हैं। मिसेस पी भी उनके साथ ही होती है। क्लड अपनी बहन ग्लेंटो को भी लेकर हाई टाइटोस के पास आ जाता है। वो बहुत डर रही थी उसे देखकर। सोरेन और उसके लोग हेलोमीर समुद्र के पास तक पहुंच चुके थे। वहां उन्हें इकिडना नाम का एक पॉर्क्यूपाइन मिलता है जो उनसे कहता है कि उसे पहले से ही पता था उनके बारे में कि वो लोग आने वाले हैं। वो उन सबको गार्डियंस तक जाने का रास्ता बताता है। वो उन्हें उन सितारों का पीछा करने को कहता है जिनका पीछा करते हुए वो गार्डियंस तक पहुंच सकते हैं। वो सब अपने सफर पे निकल जाते हैं और लगातार उस दिशा में उड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो घने कोहरे में फंस जाते हैं। उन्हें उड़ने में परेशानी हो रही थी और तभी डिगर के पंख जम जाते हैं। वो गिरने लगता है। सोरेन उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है पर तभी उसे एक गार्डियंस आउल दिखाई देता है जो डिगर को गिरने से बचा लेता है और एक उसे अपने पीछे आने को कहता है। वो उन सबको लेकर गार्डियंस के शहर गहूल में आते हैं। सोरेन गार्डियंस किंग को सारी बात बताता है कि कैसे प्योरवन सारे आउल्स को गुलाम बनाकर अपनी सेना तैयार कर रहा है और वो बहुत जल्द गहूल पे हमला करने वाले हैं। गार्डियन किंग अपने सिपाही एलेमोर को जाकर पता करने को कहता है कि क्या उनकी बात सच है। एलेमोर अपने साथ कुछ सिपाही लेकर निकल जाता है प्योरवन का पता करने। सोरेन को गहूल में आकर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ के हर आउल को उसके काबिलियत के हिसाब से काम दिया जाता है। वो वहाँ गार्डियंस बनने की ट्रेनिंग भी लेता है। इधर हाई टाइटोस अपने सैनिकों को बता रहा होता है कि वो लोग प्योर वंश हैं और वो सबसे ताकतवर हैं और इस दुनिया में हमेशा ताकतवर ही राज करते हैं। वो उन्हें बताता है कि कई साल पहले एक कायर आउल लाइज ऑफ किल ने उसके राज को हड़पना चाहा और उस पर हमला किया और इसीलिए उसे अपनी चोट को छुपाने के लिए मेटल का मास्क पहनना पड़ता है। पर अब वक्त आ गया है कि वो गहुल्स पे हमला करके वो सब हासिल करे जो कभी उसका था और सारी दुनिया पे सिर्फ प्योर वंश का राज हो। वहाँ क्लड के साथ एक लेंटे भी थी। वो उसे कह रही थी कि उसे घर जाना है क्योंकि उसे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है पर क्लड उसे सुलाकर बाकी आउल्स के साथ उनका गुलाम बना देता है। गार्डियंस का एक आउल सोरेन को उड़ने का सही अंदाज बताता है। वो उसे हवा को महसूस करने को कहता है और उसके बहाव के साथ उसे उड़ने की कोशिश करने को कहता है। सोरेन को उसकी बातें समझ आ रही थी
वो हवा के बहाव के साथ उड़ने लगता है और उसमें वो इतना खो जाता है कि वो पानी में गिरने वाला होता है। पर सही समय पर वो गार्डियन उसे बचा लेता है। उसके बाद वो गार्डियन उसे लेकर अपने घर आ जाता है। एलमेर अपने सिपाहियों के साथ प्योर वंश के इलाके तक पहुंच चुका था। वो सब छुपते हुए कुछ सिपाही पे हमला करते हैं, पर ये सब उन्हें फंसाने के लिए एक ट्रैप था। वो सब पकड़े जाते हैं। इधर सोरेन उस गार्डियन के साथ उसके घर में था। वहाँ उसका साइन देखकर उसे पता चलता है कि वो गार्डियन लाइज ऑफ किल है, जो उसका सबसे फेवरेट गार्डियन था। सोरेन उससे पूछता है कि उन्होंने अपना नाम क्यों छुपा कर रखा हुआ है। तब वो कहता है कि लड़ाई हमेशा अपने साथ तबाही लाती है। उस लड़ाई में उसने अपना बहुत कुछ खोया, इसलिए तब से वो लड़ाई छोड़कर एक लेखक बन गया। और तभी एलेमोर वहाँ वापस आ जाता है। वो अपने साथ दो घायल आउल को भी लेकर आया था। सोरेन जाकर देखता है वहाँ उसकी बहन इग्लेंटे थी, जो कि अब पूरी तरह से गुलाम बन चुकी थी। वहाँ के डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एलेमोर सबको बताता है कि सोरेन की बात बिल्कुल सही थी, वहाँ बहुत से प्योर वंश हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। गार्डियंस किंग सबको लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है, क्योंकि वो लोग उन पर हमला करने जाएंगे। सोरेन ली से कहता है कि वो भी उसके साथ आना चाहता है, पर वो उसे कहता है कि वो यहीं रहकर अपने बहन का अच्छे से देखभाल करे। और सारे गार्डियंस की फोर्स प्योर वंश पे हमला करने के लिए निकल जाते हैं। सोरेन वहीं अपनी बहन के पास ही रुकता है। वो गार्डियंस वहाँ पहुंचकर एक एक करके सारे टाइटोस को मारने लगते हैं। और इधर इग्लेंटे को तब तक होश आ जाता है। वो सोरेन से कहती है कि क्लड ने ही उसे वहाँ गुलाम बनाया था और उसी ने उसे एलेमेर को यहाँ लाने के लिए दिया था। सोरेन समझ जाता है कि एलेमेर भी उनके साथ मिला हुआ है और ये सब गार्डियंस को फंसाने का उनका प्लान है। वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके साथ गिल्फी डिगर और ट्वाइलाइट भी थे। इधर सारे गार्डियन को वो उस मेटल फ्लेक्स की मदद से कैद कर लेते हैं, क्योंकि वो सारे फ्लेक्स की पावर को झेल नहीं पा रहे थे। नायरा वहाँ के सारे बैट्स को उन्हें मारने के लिए भेजती है, क्योंकि उन बैट्स पे उस फ्लेक्स का कोई असर नहीं होता था। और उसके बाद हाई टाइटस धोखे से एलेमेर को भी मार देता है। सोरेन भी अब तक वहाँ पहुँच गया था, पर वो जाकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे पास के जंगल में लगी हुई आग दिखाई देती है और उसे एक आइडिया आता है। वो वहाँ के लैंप को अपने पंजों में ले लेता है और वहाँ जल रही आग में कूद जाता है और उस लैंप को आग के बीच में से जलाकर बाहर आता है और उस जलते हुए लैंप को उस मेटल फ्लेक्स में डाल देता है, जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है और सारे गार्डियंस आज़ाद हो जाते हैं। वो सब मिलकर प्योर वन से लड़ने लगते हैं। वो सारे गार्डियंस उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी सोरेन देखता है कि क्लड भी लड़ने आ रहा है। वो उसे रोकने जाता है, पर क्लड उस पर हमला कर देता है और उसे जंगल की आग की तरफ फेंक देता है। सोरेन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो गलत लोगों का साथ दे रहा है, पर क्लड उसे कहता है कि वो उसकी तरह कमजोरों की जिंदगी नहीं जी सकता। वो सोरेन पे हमला करके उसे आग में गिराने की कोशिश करने लगता है, पर इसमें वो खुद अपने हाथों से ही आग में गिरकर मारा जाता है। सोरेन अपनी तरफ से आखिरी वक्त तक उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसे बचा नहीं पाता है। इधर लीज ऑफ किल सीधा हाई टाइटस के पास पहुंचता है और उसे लड़ने लगता है। लीज उसे एक बार फिर से हरा देता है, पर टाइटस को बचाने नायरा भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर लाइज पे भारी पड़ रहे थे। टाइटस उसे मारने ही वाला होता है कि सोरेन अपने साथ एक जलती हुई लकड़ी लेकर आता है और उसे बचा लेता है। टाइटस सोरेन को मारने के लिए उसकी ओर झपटता है, पर उस जलती हुई लकड़ी की मदद से सोरेन उसे मार देता है। ये देखकर नायरा अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर वहां से भाग जाती है और एक बार फिर से गार्डियंस की जीत होती है। उसके बाद सारे गार्डियंस लौटकर गहूल आ जाते हैं। सोरेन के मॉम डैड भी वहां पहुंच चुके थे। उन्हें सोरेन की बहादुरी पे बहुत नाज था। सोरेन को भी एक गार्डियन बना दिया जाता है, पर अंत में सोरेन कहता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद नायरा भाग गई और उसके भाई क्लड का भी कुछ पता नहीं चला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।